हम लोग श्रीमद् भागवत ग्रंथ सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ को श्रीमद् गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। आज भागवत का पंचम दिवस और विशेष करके आपने भागवत का सार स्वरूप जो भगवान का नाम है उसकी इतनी महिमा आप तक श्रवण कर ली होगी मुझे लगता है। जिन लोगों को सच में श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे उन लोगों को हरिनाम को निश्चित रूप में अपना कर अपना जीवन सार्थक कर ही लेना चाहिए। और उसमें भी विशेष करके जो साधु संघ में प्राप्त हो रहा है एक सत परंपरा के अंदर गुरुदेव के मुखारविंद से हरिकथा श्रवण करना उनके मुख से उपदेश सुनकर भगवत नाम को भी यदि किसी ने नहीं अपनाया कहते हैं उसके समान दुर्भागा उसके समान आत्मघाती व्यक्ति और कहीं नहीं मिलेगा। और श्रीमती राधा रानी के जन्म के विषय में आज हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है इस ग्रंथ का नाम ही कहते हैं श्रीमद् भागवत। श्री अर्थात होता है श्रीमती राधा रानी। श्री जो यहाँ पर लक्ष्य करता है यहाँ पर श्रीमद् मद अर्थात प्रेम है। प्रेम किसका बोले श्रीमती राधा रानी का। कहते हैं एक उदाहरण देकर बताते हैं जैसे कोई एक सेठ जी थे वो सेठ जी क्या करते थे खूब धन पैसा कमा कमा के और अपनी सेठानी के पास में जमा करते थे। सेठानी उसको अलमारी में खूब सजा सजा के और रखती थी। एक समय क्या हुआ वो सेठानी न जाने किसी कारण पागल हो गई बावली हो गई और उसने क्या किया सारा धन दौलत खजाना जितना था उसको लेकर और छत पे गई अपने महल की छत से उस पैसे को उड़ा उड़ा कर लुटाने लगी। लुटाने लगी वो इतनी पागल हो गई कि जो नीचे बैठे थे हम जैसे भिखारी उन भिखारियों ने क्या किया उस धन दौलत को लूट लूट के खूब धनवान हो गए। यहाँ पर उदाहरण दे रहे भैया वो सेठ कौन है बोले सेठ है श्री सामरिया सेठ श्री कृष्ण चंद्र। और वो सेठानी कौन है कहते हैं श्रीमती राधा रानी। कहते वो प्रेम में ऐसी मतवाली हो गई श्रीमती राधा रानी को कहा जाता है करुणा गुरुमयी करुणा भरी थे। श्रीमती राधा रानी करुणा की मूर्तिमय स्वरूप है। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है श्रीमती राधा रानी को वहां पर मां कहकर भी संबोधित किया है। तो श्रीमती राधा रानी तो जगत की माता है हम सब उनकी संतान है इसीलिए उन्होंने क्या किया वो इतनी कृपामय हो गई इतनी दयालु हो गई उन्होंने हमारी इस दयनीय अवस्था को देखकर इस जड़ जगत के अंदर जीव इतने दुख कष्ट पा रहा है इन दुख कष्ट से बोले उद्धार कब होगा बोले जब कृष्ण की ओर विमुख हो जाए कृष्ण की ओर उन्मुख हो जाए। तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया बोले पूरी बावरी होकर वो कृष्ण प्रेम जो संपत्ति थी वो जो धन था वो कृष्ण प्रेम था उस कृष्ण प्रेम को मुक्त हस्तों से लुटाने लग गई और आप और हमारे जैसे भिखारी उस कृष्ण प्रेम में पूरे धनवान हो गए। बोले श्रीमती राधा रानी की। अगर साधारण व्यक्ति कोई श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करे तब इसके अंदर कहीं पर भी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं पाएंगे। श्रीमती राधा रानी का स्पष्ट तरीके से भागवतम के अंदर किसी भी श्लोक में कहीं पर भी नाम वर्णित नहीं है। लेकिन हमारे गुरुवर्ग हमारे टीकाकार कहते हैं कि भैया भागवत कोई अपने आप से पढ़ लेने की वस्तु नहीं है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जाह भागवत धारा में आकर जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने यदि किसी सद्गुरु के मुखारविंद से यदि किसी रसिक तत्वज्ञ श्रीमद् महाप्रभु की धारा में किसी सद वैष्णव से अगर कोई भागवत श्रवण करे तब जाकर समझेगा कि भैया इस भागवत के अंदर तो राधा 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 नाम की झड़ी लगी हुई है। इसीलिए जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने किसी वैष्णव के मुखारविंद से भागवत को श्रवण करना पड़ेगा। और वैष्णव के कौन से बोलो श्रीमद् महाप्रभु की धारा में आए हैं।
श्री राधा कृष्ण दोनों मिलकर ये कलयुग के अंदर श्रीमद महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और महाप्रभु की धारा में जो संत आए हैं वो ही भागवत के असली अर्थ को, इस भागवत के प्रतिपाद्य विषय को जानते हैं। इसीलिए अगर कोई प्रश्न करके स्पष्ट करके श्रीमती राधा रानी का नाम क्यों नहीं दिया, तब उसके पीछे कई कारण बताते हैं। कहते हैं सबसे सर्वप्रथम कारण है श्रीमती राधा रानी का इस ग्रंथ में नाम ना देने का कारण है कि इस ग्रंथ को बोल कौन रहा है। इस ग्रंथ को बोल रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी और हमने सुना है ये सुखदेव गोस्वामी कौन है। कहते हैं प्रिया शुभश्री ऋषभानुजाया। ये श्रीमती राधा रानी के अत्यंत प्रिय तोता है। उनके निकुंज में बड़ी गुड़ गुड़ सेवाएं करते थे। बोले अब ये तोते ने जब श्रीमती राधा रानी से प्रश्न किया, बोले मैं आपका नाम भागवत में किस रूप में लूं, तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी स्वयं आदेश देती है कि मेरा नाम स्पष्ट रूप में मत लेना, मेरा नाम स्पष्ट रूप में मत लेना। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट रूप में श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहीं पर श्री, कहीं पर गोपी, कहीं पर इंदिरा, इस तरह से गुप्त रूप में श्रीमती राधा रानी का नाम लिया है। और विशेष करके एक कारण ये बताया कि राधा नाम उच्चारण षडमार्षिक पूजा भवे। ये सुखदेव गोस्वामी अगर एक बार श्रीमती राधा रानी का नाम, केवल एक बार राधा नाम मुंह से यदि उच्चारण करते थे तो उनको 6 मास की मूर्छा आ जाती थी, 6 मास तक मूर्छित हो जाते थे। अभी सामने बैठे हुए परीक्षित महाराज, उनके पास तो है केवल 7 दिन। अगर राधा नाम उच्चारण कर लिया, 6 मास के लिए मूर्छिता हो गई, तो फिर तो सुखदेव गोस्वामी किस तरह से भागवत बोलेंगे। ये भी एक कारण है उन्होंने श्रीमती राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप में नहीं लिया। और क्या कहते हैं, कहते हैं श्रीमती राधा रानी का नाम इस भागवत ग्रंथ के अंदर वर्णन तो है, लेकिन अगर किसी चीज को गुप्त रूप में लिया जाए तो उसका और सौंदर्य बढ़ जाता है। आप लोग रामायण देखे होंगे, रामायण के अंदर जब राम, सीता और लक्ष्मण वो लोग जब जा रहे थे और किसी ने श्रीमती सीता जी से प्रश्न किया, सीता महारानी से प्रश्न किया, बोले आपके साथ में जो 2 पुरुष हैं ये कौन है, तब श्री सीता जी कहती हैं लक्ष्मण की ओर इंगित करके, बोले ये मेरे देवर हैं और ये उनके साथ में जो है ये उनके बड़े भाई हैं। सीता जी कहती है लक्ष्मण के लिए कि ये मेरे देवर हैं और ये उनके बड़े भाई हैं। सीता जी ने स्पष्ट नहीं कहा कि ये मेरे पति हैं, क्यों, वो इस बात को छुपा कर टेढ़े तरीके से, उल्टे तरीके से कह रहे हैं कि ये देवर के भाई, अर्थात ये देवर के बड़े भाई कौन हुए, ये मेरे पति हुए। तो किसी चीज को अगर गुप्त रूप से कहा जाए, छिपा कर कहा जाए, अलक्ष्य रूप में यदि कहा जाए तो उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप में नहीं लिया। और एक कारण यहाँ पर बताते हैं कि भैया ये सुखदेव गोस्वामी और श्रीमती राधा रानी का संबंध क्या है। कहते हैं श्रीमती राधा रानी श्री सुखदेव गोस्वामी की गुरु है, प्रेम गुरु है, और गुरुदेव का नाम जहां तहां ऐसे तरीके से नहीं लेना चाहिए, गुरुदेव का नाम जहां तहां नहीं लेना चाहिए, बड़े सम्मानित तरीके से, बड़े उनको आदर सम्मान देकर यत्न पूर्वक लेना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने भी श्रीमती राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप में नहीं लिया। और एक कारण, चौथा कारण इसका बताते हैं, आप लोग मेहंदी पत्ता देखे हो, मेहंदी पत्ता, मेहंदी लगाते हैं ना महिलाएं, मेहंदी का रंग कैसा होता है बताओ, हरा होता है। मेहंदी को जब पहले के समय में तो मेहंदी पाउडर नहीं मिलता था, लोग क्या करते थे, कोई पत्तों को पेड़ से तोड़ते थे, उसे पीसते थे, उसको बांट के और उसको उसके बाद में कुछ देर रख के फिर हाथों में लगाते थे। देखना मेहंदी पत्ता देखने में लगता है हरा, जब उसे हाथों पर लगाओगे तब भी लगता है हरा, सूख जाने पर भी बाहर से हरा हरा ही दिखता है, लेकिन जब उसे पानी से धो दिया तब जाकर कैसा हो जाता है, लाल। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ग्रंथ देखने में तो लगता है कृष्ण 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 परम ग्रंथ है, लेकिन यदि कोई उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करे, किसी सद्गुरु के मुखारविंद से श्रवण करके, किसी वैष्णव के अनुगत में यदि भागवत का अध्ययन किया जाए तब समझ में आएगा क्या, बोले प्रति अक्षरे प्रति श्लोके नाना अर्थ कौन है। ये भागवत के तो प्रत्येक श्लोक के अंदर, प्रत्येक शब्द के अंदर ही श्रीमती राधा रानी को ही लक्ष्य किया गया है। बोलो श्रीमती राधा रानी की। इसीलिए एक कारण बताया सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट रूप में राधा रानी का नाम नहीं लिया। और एक यहाँ पर कारण कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी की भक्ति को बतलाया, ये एक कुएं की भक्ति है। जैसे कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति हर कोई कर सकता है,
कृष्ण भक्ति को उदाहरण दिया जैसे एक बहती हुई नदी का पानी है। उस नदी के अंदर कहीं पर कोई कपड़े धो रहा है, कहीं पर कोई स्नान कर रहा है, कहीं पर कोई कलश लेकर पानी भर रहा है, वहां पर पशु पक्षी भी आकर पानी पी रहे हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति धारा ऐसी है मानो सबको इसमें गोता लगा सकता है। लेकिन श्रीमती राधा रानी की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है भैया। श्रीमती राधा रानी की भक्ति का उदाहरण दिया जैसे एक कुएं का पानी। कृष्ण भक्ति मानो नदी का पानी और श्रीमती राधा रानी की भक्ति ये कुएं का पानी। भैया कुएं का पानी कौन पी सकता है? कहते हैं उसके लिए एक रस्सी चाहिए, एक बाल्टी चाहिए। बाल्टी के अंदर रस्सी बांध के जब कुएं के अंदर डुबाएंगे तब जाकर वो कुएं का पानी हाथ आएगा। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी की भक्ति हर कोई नहीं कर सकता। श्रीमती राधा रानी की भक्ति करने के लिए हमें भी एक रस्सी और बाल्टी चाहिए। बोले क्या रस्सी क्या बाल्टी? कहते हैं रस्सी है ये सदगुरु परंपरा। यदि कोई शिष्य परिशिष्य सदगुरु परंपरा के अंदर कोई आए, गुरुदेव के मुखारविंद से नाम मंत्र दीक्षा इत्यादि ग्रहण करके और भजन करे तब जाकर श्रीमती राधा रानी के भावों को राधा रानी के इस गूढ़ रहस्य को समझ सकता है। इसीलिए भागवत हमारे पद्म पुराण के अंदर वर्णन है कि भगवान ने कलयुग के अंदर चार वैष्णव संप्रदाय दिए हैं। चार वैष्णव संप्रदाय, चार व्यक्ति किन किन को नियुक्त किया? कहते श्री अर्थात श्रीमती लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चतुसन। इन चारों वैष्णव संप्रदाय में यदि कोई आए और श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करे तब जाकर समझ पाएगा कि ये भागवत ग्रंथ श्रीमती राधा रानी को ही लक्ष्य करता है। बोलो श्रीमती राधा रानी की। इसे देखो हमारे शास्त्र हमारे ग्रंथ जितने भी हैं उन ग्रंथों का उद्देश्य केवल मात्र यही है कि येन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशन। आज के समय पे ऐसी विडंबना हो गई है कि शास्त्र अध्ययन तो कोई करता नहीं और तो और शास्त्र के अंदर लोगों की रुचि भी नहीं है, शास्त्र पर विश्वास भी नहीं है। आप लोग तो कुछ पुरानी माताएं हैं, थोड़े सदाचार संपन्न है, संस्कारी हैं, इसीलिए भागवत कथा सुनने में विश्वास है, भागवत कथा सुनने आते हैं। जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं वो अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राय करके हम देखते हैं जो यंग बच्चे हैं वो एक भी नहीं दिखते, बहुत ही कम। अभी विचार करके देखो आप लोग के घर में जो बच्चे हैं वो इस समय क्या करते होंगे? आप लोग तो आए हो यहाँ भक्ति भावना लेकर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन आपके पीछे से बच्चे क्या कर रहे होंगे उनकी करतूतें आप सब अच्छे से जानते हैं। उसका कारण क्या है? कहते हैं शास्त्रों में विश्वास नहीं। आजकल की जो आध्यात्मिक शिक्षा हमें प्रदान की जा रही है उस शिक्षा प्रणाली भी ऐसी हो गई है कि हमारे शास्त्रों से पूर्ण रूप में विमुख, और विशेष करके टीवी सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे बच्चों के अंदर गंदगी उनके दिमाग में भरी जा रही है उससे तो वो हमारी सनातन संस्कृति से पूर्ण रूप में विमुख होते जा रहे हैं। बड़ी विडंबना है आज के समय पर जो शिक्षा शिक्षा इत्यादि प्रदान की जा रही है जागतिक शिक्षा, वो हमें किस तरह से पैसा कमाना है, एक पैसे कमाने की मशीन तो बना देगी आपके बच्चों को, लेकिन किस तरह से एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है वो सारी चीजें नहीं देगी। जब तक कोई शास्त्र का ज्ञान ना ग्रहण करे, अरे आज के समय पर सब लोग चाहते हैं उस पाश्चात्य देश को फॉलो करना है ना, अमेरिका इंग्लैंड ब्रिटेन जिस तरह से प्रगति कर रहा है हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे भी उस तरह से एडवांस बने। लेकिन वहां के न्यूज़पेपर वहां के अखबार यदि उठाकर देखोगे 80% लोग वहां पर डिप्रेशन के पेशेंट है, मानसिक तनाव वहां पर, आत्महत्या सुसाइड केसेस इतने ज्यादा है। रात में वहां के लोग नींद की गोली जब तक नहीं लेते तब तक उनको चैन नहीं मिलता, चैन की नींद नहीं मिलती। यहाँ भारत के अंदर देखो भागवत कथा के अंदर लोग आते हैं आराम से कुर्सी देखते हैं और वहीं पे बैठ के सो जाते हैं। ये भारत के अंदर केवल मात्र ये सुकून चैन ये शांति ये संतोष का भाव प्राप्त है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन आध्यात्म के साथ में जुड़ा हुआ है, भगवान के साथ में जुड़ा हुआ है, साधु संतों के अंदर श्रद्धा है। इसीलिए उनके मुख से हरि कथा उनके मुख से भगवत उपदेश श्रवण करके ये मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट उत्तम फल श्री भज भगवान का भजन हम कर रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है उस चीज को अपनाना नहीं चाहते, इसीलिए हम क्या करते हैं हम आजकल के बच्चों को उनके तरीके से समझाने के लिए हम ऑनलाइन उनको शिक्षा देते हैं। यदि मैं यहाँ पर यहाँ की माताओं को अगर किसी को कहूँ कि सवेरे सवेरे उठकर तुलसी में जल दिया करो और तुलसी की परिक्रमा करा करो, आंगन में तुलसी लगाया करो, सब कोई विश्वास कर लेगा,
लेकिन यही बात अगर आज के बच्चों को कहा जाए, आजकल के बच्चों को यदि कहा जाए तुलसी में पानी दिया करो, घर में तुलसी पौधा होना चाहिए, कहेंगे कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? अरे पौधे को हम घर में क्यों रखें? तब उसके लिए शास्त्रों में साइंटिफिक रीजन भी बताया है। साइंटिफिक रीजन भी हमारे जो ऋषि मुनि पहले के समय में थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, आज के समय देखो हमारी पहले की माताएं जो पहले के समय पे सबके घर में गाय होती थी, सब घर में कंडे बनाते थे, गोबर लेपती थी, है ना। आज के समय पे देखो वो ही कंडे जो हमारी माताएं घर में बड़े सहज रूप भाव में बना देती थी, वो ही कंडे आजकल ऑनलाइन बिक्री होते हैं। Amazon और Flipkart इन वेबसाइट्स पर गोबर के कंडे बिक्री हो रहे हैं। कभी विचार करके देखा था, ऐसा भी समय आएगा जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर गाय को सर्वश्रेष्ठ पशु माना जाता है, पशु ही नहीं गैया को तो माँ कहकर कहा जाता है ना। माँ का दूध तो हम कुछ दो चार साल तक ही पीते हैं, लेकिन उस गौ माता का दूध हमारे पूरे जीवन हमारा नरिशमेंट करता है, पूरे जीवन हमें शक्ति प्रदान करता है। तो इसीलिए ऐसी गैया की कितनी महिमा हमारे शास्त्रों में बतलाई गई है। विदेशों के अंदर अभी के समय पे एक काउ थेरेपी स्टार्ट हुई है, जानते हैं काउ थेरेपी? उसके अंदर क्या होता है, लोग गैया के पास जाके गैया से गले मिलके उसको स्पर्श करके घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं, उससे उनको एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब जो लोग डिप्रेशन पेशेंट्स है, जो लोग को बड़ी टेंशन है घर में, वो लोग गैया के पास जाके उनसे गले मिलके उनको स्पर्श करते हैं, इसका पैसा देते हैं। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर वही गैया को सब समय पूजा जाता है ना। तो यही साइंटिफिक तरीके से आजकल के बच्चों को समझाने के लिए हम लोग ऑनलाइन सब क्लासेस लेते हैं। अगर जो लोग चाहते हैं उनके बच्चे हमारे साथ जुड़े, ऐसे आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करें, तो हमारे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनको शिक्षा देंगे। और साथ ही साथ आप लोग भी जिन्होंने शिक्षित हैं, जो इस विषय में जानना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। बच्चे ये भक्ति में जुड़े रहे, हाथ उठाओ तो कौन चाहते हो, हाथ उठाओ कौन चाहते हो, देखो ध्यान देकर देखो। एक समय किसी व्यक्ति ने हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना, ध्यान देकर सुना, किसी व्यक्ति ने हमारे बड़े गुरु जी को बोले, गुरुदेव बच्चे बात नहीं सुनते हैं। बच्चे क्या नहीं करते हैं, आप लेना घर घर की कहानी, बच्चे बात नहीं सुनते हैं। देखो हमारे बड़े गुरु जी ने क्या बोले, बोले बेटा कभी रामायण पढ़े हो, बोले नहीं। बोले बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया हो, बोले नहीं। गुरु जी बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा, उसको तो यही गुरुगति हो जाएगा। कहां पर बताया गया पिता माता की सेवा करने के लिए, रामायण बताता। कहां बताया गया पिताजी की चरण छूनी चाहिए, रामायण कहता है। कहां पर बताया गया पिताजी के आदेश पालना करने के लिए, रामायण में बताओ। तो भगवान राम कितने साल के लिए वनवास गए थे, बोलो जोर से, क्यों गए थे? पिताजी के आदेश पालन करने के लिए, है ना। 14 साल तक गए ना। अगर आप अपना बेटे को बोलो 14 दिन के लिए, बेटा मेरे आदेश पालन करने के लिए तू 14 दिन के लिए कहीं जा, बेटा जाएगा कि नहीं मालूम। वो हनीमून मनाने के लिए 14 दिन जा सकता, लेकिन पिताजी की सेवा के लिए नहीं जाएगा। ये हमारे गुरु जी कहते थे। कारण क्या, ये कमी हमारी है, हम खुद रामायण पढ़ते नहीं और बच्चों को रामायण की शिक्षा नहीं देते। लेकिन क्या देते, स्मार्ट हो ले बेटा, पबजी दिन भर देखते थे, गेम देखते रहे दिन भर। गुरु जी बात कहते थे, बोले भैया अगर चाहते हो तुम्हारे घर अयोध्या बने जहां पर युद्ध नहीं हो, अवध बने जहां पर वध नहीं हो। क्या बोले, राम जैसे बेटा सीता जैसे बहू हो, और बच्चे कैसे हो, लव कुश जैसे, बस तुम्हारी घर ही अयोध्या। चाहते हो बनना, कौन चाहते हो? हाँ देखो प्रभु जी बता रहे थे ना, हमारे ऑनलाइन में ये क्लास चलती है, बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाती है। आप लोग कल अपना बच्चों को साथ में लेकर के आना, लेकर के आओगे? जब ये कथा विश्राम हो जाएगी ना, ये जो बच्चा है, जैसे बच्चे जो लिखे पढ़े बच्चे हैं उनको ये अपना जैसे समझाएं। बच्चे जैसा डज गट एग्जिस्ट, क्या सतगुरु से भगवान एक नहीं, सेल्फ पर हैप्पीनेस, जीवन में खुशी कैसे रहेगी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, बड़ी सुंदर सुंदर कथा है, ये प्रभु जी आपको समझाएंगे। कल आपका बड़े बड़े बच्चे, तुम छोटे छोटे नहीं, जो तक क्लास 10 11 12 जो क्लास
बीए एमए पढ़ रहे हैं, अगर ऐसे बच्चों को लाओगे ना, ये कल कथा के बाद में 10-20 मिनट देगा उनको, ठीक है? कल लेकर के सबके सुनाना। अभी हमारी राधा रानी आ रही हैं। राधा रानी बनाया। हाँ, अभी श्री वृषभानंद महाराज की घर में बेटा, लेकिन घर में बेटी नहीं, लेकिन वृषभानंद महाराज सोच रहे हैं घर में लाली होनी चाहिए। क्यों? मेरे तरफ में देखो, घर में बेटी आए ना, सारा दुनिया कहते हैं घर में लक्ष्मी आई। कौन आई है? कौन आई है घर में? लक्ष्मी आई। देखो साक्षात लक्ष्मी आ रही है। लेकिन अभी का जो लोग है ना, घर में बेटी हो तो दुखी हो जाते हैं, अगर बेटा हो तो बड़े खुश होते हैं। बोले नहीं भैया, अगर सारा दुनिया में अगर बेटे बेटे हो जाएंगे फिर दुनिया चलेगा कि नहीं चलेगी? दुनिया चलेगी नहीं। इसलिए स्वयं राधा रानी कृपा करके श्री वृषभानंद महाराज जी घर में श्री राधा रानी रूप में जन्म ली। बोले श्री राधा रानी की। भैया दो चेयर दे दो, कोई चेयर है सब राधा रानी के प्रणाम करो, वहां से दो चेयर दे दो माता जी, वहां से दो चेयर वहां से ले, एक इधर इधर में चेयर है, दो राधा रानी। Oh,